झारखंड विकास मोर्चा के सिमरिया प्रत्याशी रामदेव सिंह भोक्ता एक दिन के दौरे पर गुरुवार को टंडवा पहुंचे। इस दौरान प्रखंड क्षेत्र के गाड़ीलोंग, सरादू, कुंडोगा, कुंडी, कल्याणपुर, धनगढ़ा, मिश्रोल, तेलियाडी, टंडवा बाजार संपर्क किया। मतदाताओं से मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के हाथों मजबूत करने की अपील किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों को मिलकर अपने पक्ष में मतदान देने की अपील की। उन्होंने मीडिया से कहा कि वर्तमान सरकार घोषणाओं की सरकार है, विकास का एक भी कार्य धरातल पर नहीं दिखाई देता, लोग ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्याएं हैं। कहीं पानी की समस्या है तो कहीं सड़क की समस्या है, कहीं रोजगार की समस्या है, कहीं किसान लोग का खेत में पानी की समस्या है। तो प्रत्येक क्षेत्रों में जहां जो समस्या ज्यादा जरूरी है पहले उसका समाधान का हम प्रयास करेंगे। जैसे अभी हम लोग टंडवा में हैं तो टंडवा में पानी की बहुत ही किल्लत है और पानी के बिना वहाँ के लोग तराही माम है। यहाँ के लोगों ट्रांसपोर्टिंग रोड के लिए जो मांग किए थे, आपका सरकार बनेगी तो क्या पूरा होगा जनता के मांग? सबसे पहले देखिए, दूसरी प्राथमिकता हमारी रहेगी कि यहाँ पर जो कोल वाहन जो चल रहे हैं वो पब्लिक रोड से जा रहे हैं, उसके चलते काफी परेशानी हो रही है। पूरा धूल तो खा ही रहे हैं, धूल के साथ साथ लोग अकाल मृत्यु के भी शिकार हो रहे हैं। टंडवा से शैलेश सिंह की रिपोर्ट।